माल रोड पर चल रहे निर्माण कार्य से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मसूरी में आने वाले पर्यटकों को भी रूट डायवर्जन से मुश्किल आ रही है। वहीं इस निर्माण कार्य से हो रही असुविधा के लिए मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने पोस्टर लॉन्च कर माफी मांगी है। मसूरी के माल रोड पर चल रहे निर्माण कार्य से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और सिर्फ मसूरी के रहवासी ही नहीं बल्कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी रूट डायवर्जन से काफी समस्या आ रही है। लोगों को हो रही असुविधा के लिए मसूरी ट्रेंडर एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने माफी के पोस्टर लॉन्च कर लोगों से माफी मांगी। एसोसिएशन अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि मसूरी की सभी सड़कें बदहाल हैं, जिससे मसूरी आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी की सड़कें ठीक करने के लिए प्रशासन की तरफ से 30 अप्रैल तक का समय मिला था, लेकिन तय समय पर काम ना पूरा होने के कारण प्रदेश के बाहर और सोशल मीडिया पर भी मसूरी की गलत तस्वीर वायरल हो रही है, जिसके लिए हम लोगों से क्षमा मांगते हैं। देखिए, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज एक पोस्टर लॉन्च कार्यक्रम रखा गया था। मसूरी की सड़कें सभी बदहाल हैं, चाहे वो लंडौर बाजार की हो, मॉल रोड हो, अकेडमी की, जीरो पॉइंट, मोतीलाल नेहरू रोड, बाल्डोगंज की रोड, सिविल अस्पताल के आसपास की रोड। इस संदर्भ में हमने 30 अप्रैल तक हमें समय मिला था प्रशासन से, और किसी कारणवश जब ये रोड का कार्य पूरा नहीं हो सका तो हमने एक प्रयास करा कि हम किसी माध्यम से पर्यटकों को सहानुभूति अपनी दिखाएं, अपनी संवेदना उनको प्रकट करें कि मसूरी में जब उनके आने के समय पर मसूरी इतनी बदहाल उनको मिली है, उसके लिए हम उनसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। और हाल ही में कुछ सोशल मीडिया पे भी बहुत ही गंदा असर मसूरी की छवि का गया है, तो इस पोस्टर के माध्यम से उस छवि को सुधारने का कार्य भी हमने करा है। और हम प्रशासन से, उत्तराखंड सरकार से निवेदन भी करते हैं कि जल्द से जल्द मसूरी की सड़कें पूर्ण रूप से ठीक हो जाएं, जिससे आने वाले पर्यटक सीजन में जो पर्यटक आए वो मसूरी से एक अच्छी यादगार लेके जाएं, एक बुरी याद के साथ अब मसूरी का दुष्प्रचार ना करें। इसी संदर्भ में आज ये पोस्टर लॉन्च था, और हम उम्मीद है मसूरी के समस्त व्यापारी इस पोस्टर को लगाकर पर्यटकों से क्षमा मांगते हुए पर्यटकों का स्वागत करेंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।